Hey you all, what's up? So today I'm here at Daman and आज मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ दमन को explore करने के लिए. मैं बहुत सालों बाद यहाँ पर वापस से आई हूँ. दमन एक यूनियन टेरिटरी है जो गुजरात में सिचुएटेड है, गुजरात के सदर्न साइड में. ये मुंबई से 170 किलोमीटर्स दूर है. अगर आपको जानना है कि यहाँ पे आए कैसे, तो मैं आपको वो आगे बताती हूँ एंड इस व्लॉग में मैं आपको बहुत कुछ इस जगह के बारे में बताऊँगी. दमन को हम लोग ज़्यादातर नेग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं ऑर्डिनरी बीचेस की तरह यहाँ पर भी होगा, बट ऐसा नहीं है. दमन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. मैं आपको इस व्लॉग में हर एक प्लेसेस दिखाऊँगी, लाइक यहाँ पे कौन से फोर्ट प्रेजेंट है एंड जितने बीचेस है सब दिखाऊँगी. सो या लेट्स स्टार्ट. तो मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट लोकेशन पे आई हूँ, दैट इज़ देवका बीच. देवका बीच बहुत ज़्यादा फेमस है अपने क्रिस्टल क्लियर क्लीन वाटर के लिए. यहाँ का आप जब पानी देखोगे वो एकदम क्लीन ट्रांसपेरेंट है एंड यहाँ के यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैठने के लिए भी अरेंजमेंट किया गया. आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया है, जहाँ पे कोई भी टूरिस्ट अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं. देवका बीच इज़ अ परफेक्ट लोकेशन फॉर ऑल विजिटर्स हु वॉन्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर क्लोज वंस. द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस बीच वुड बी ड्यूरिंग मानसून, बिकॉज उस टाइम पे आप वाटर वेव्स को यहाँ एंड तक आते हुए देख सकते हो. एंड विद दिस अ लॉट ऑफ टूरिस्ट विजिट दिस बीच इन द मंथ ऑफ दिसंबर ड्यू टू द बिगेस्ट क्रिसमस कार्निवल अरेंज्ड हियर. यहाँ की न्यूली कंस्ट्रक्टेड रोड्स, पिलर्स एंड लाइट्स इस प्लेस को और ज़्यादा ऑसम बनाती है. एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. एंड जब आप रात के टाइम पे यहाँ पे आओगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस बीच वुड बी अर्ली मॉर्निंग, व्हेन यू कैन डू मॉर्निंग वॉक वेरी कम्फर्टेबली हियर. अ रिलैक्सिंग वॉक बाई द बीच इन सॉलिट्यूड विद द वेव्स डांसिंग एट योर टोज इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस. Another thing that you can do here is picnic with your family and loved ones beneath the tall green coconut trees, which is relaxing and refreshing. देवका बीच के जस्ट सामने आपको एक मार्केट दिख जाएगा जहाँ पे आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हैं एंड वहाँ वहीं पे मैंने ब्रेकफास्ट भी किया है. तो यार आप वो मार्केट ज़रूर चेक करना. बीच के जस्ट सामने ही एज आई सेड यू विल फाइंड फ्यू फूड कोर्ट जहाँ पे यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट और लंच. आई वेंट टू गर्बो रेस्टोरेंट जो बाहर से बहुत अच्छा था बट सर्विस कुछ स्पेशल नहीं थी. आई ऑर्डर्ड डोसा फॉर मी एंड आफ्टर दिस आई विजिटेड सम ऑफ द शॉप्स विथ लोकल बीच वियर्स. अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो वो फोर्ट है, फोर्ट जेरोम फोर्ट, जहाँ पे अभी मैं जाने वाली हूँ. अभी मैं वहाँ पे बाद में जाऊँगी, बट अभी आप ये वाला जो रिवर देख सकते हो ये बैक वाटर है अरेबियन सी का, जहाँ पे ज़्यादातर इस जगह को जेटी कहते हैं एंड ज़्यादातर शिप्स जो है ना वो यहीं पे आकर के लैंड करती है. अभी हाल में 1 ईयर पहले नरेंद्र मोदी ने इस जगह का उद्घाटन किया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यू है. Jetty Garden, situated on the banks of River Ganga near Moti Daman, is a beautifully designed garden very close to the Sea Link Bridge. The place attracts many photography enthusiasts to the point for some awesome captures of Daman Ganga. Yahan pe you can witness the best sunset view at evening time, but this is a very nature oriented place where you can enjoy at any time of the day. किड्स का फेवरेट प्लेस हो सकता है बिकॉज यहाँ बहुत ही अच्छा पार्क बनाया गया है एंड बाहर यू कैन सी वेरियस फूड स्टॉल्स ऑल्सो. तो मैं यहाँ पे अपने थर्ड लोकेशन पे आ गई हूँ, दैट इज सेंट जेरोम फोर्ट.
सेंट सेरोम फोर्ट 16th century में पोर्तुगीज के द्वारा बनवाया गया था एंड ये आज एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। इस फोर्ट में आप एक म्यूजियम, एक लाइट हाउस एंड एक चर्च भी देख सकते हैं, तो सब कुछ आप डिस्कवर कर सकते हो। अभी मैं बहुत देर से, हाफ एन आवर से फोर्ट के अंदर ही गाड़ी से ड्राइव कर रही हूँ। बेसिकली ये फोर्ट बहुत ही बड़े लैंड में स्प्रेड है। सो आप यहाँ पे मेरे पीछे कलरफुल चर्चेस देख सकते हैं जो पोर्तुगीज के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। पौंडीचेरी में वाले ब्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था कितना ब्यूटीफुल लगता है ये सारे बिल्डिंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख लेना। एंड अभी मैं आपको ये वाला कॉलोनी दिखाती हूँ जो पोर्तुगीज। दिस ब्यूटिफुली डिजाइन आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ जेरोम्स फोर्ट ओनली। यू कैन नोटिस सेवरल कलरफुल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द चैपल। Saint Serom is a historic fort built in 16th century by the Portuguese and was named after Saint Serom, a Christian priest. This fort has hexagonal shape where you will see basins at each corner. So when I talk about the exact location, toh ye fort Nani Daman mein present hai. Most of us have the confusion between Moti Daman and Nani Daman. So let me tell you, Daman ko Daman Ganga River do parts mein split karti hai. River ke ek side jo chhota hai, वो मोती दमन नाम से जाना जाता है, जहाँ पे देवका बीच एंड वाटर किंगडम देखने को सब कुछ मिल जाएगा। वही रिवर की दूसरी साइड जहाँ ओल्ड सिटी रिजाइड करती है, वो नानी दमन के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द फेमस स्पॉट्स दिख जाएंगे, लाइक सेंट जेरोम फोर्ट, जम्पोरी बीच, लाइट हाउस, चर्चेस एंड बहुत कुछ। हियर आई केम टू नानी दमन फॉर आर्किटेक्चुरल मार्वल्स टूर। So, I showed up the fort already and now have a look to this old lighthouse. The Daman Lighthouse is a popular tourist attraction and offers panoramic views of the Arabian Sea and the surrounding area. इस लाइटहाउस के टॉप फ्लोर पे जाके आप व्यू ऑब्जर्व कर सकते हैं। विजिटर्स के लिए 4 PM टू 6 PM मीन्स 2 घंटे के लिए ही लाइटहाउस खुला रहता है। फिर मैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे आ गई हूँ जिसका नाम है जम्पोरे बीच। जम्पोरे बीच एक बहुत ही फेमस बीच है दमन में एंड ये नहाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जिसको भी दमन में नहाना है, इन्जॉय करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, वो जम्पोरे बीच पे ज़रूर आना। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। देखा जाए तो इस बीच का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, लाइक बहुत ज़्यादा इधर गंदगी है इधर के पानी में। तो अगर आप यहाँ पे होटल में स्टे कर रहे हैं तो हाँ आप नहा सकते हो, बट यहाँ पे कोई भी चेंजिंग रूम नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे स्टे नहीं कर रहे हो, वन डे के लिए आए हो, तो यहाँ पे मत नहाना। हाँ, आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। एंड इस बीच पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं, ATV मोटर राइडिंग से लेकर के बनाना राइड, वाटर स्काइंग, पैरासेलिंग एंड बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ आपको एक बार यहाँ पे आना ही चाहिए अगर आप दमन विजिट करने आ रहे हो तो। एंड मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ और कैसे कैसे सब कुछ है। यहाँ पे कैमल राइड, हॉर्स राइड, ये सारी राइड्स भी अवेलेबल है। जम्पोरे बीच घूमने के बाद आई हैड माई लंच एंड देन आई रिटर्न बैक टू मोती दमन। मोती दमन में मीरा सोल वाटर किंगडम है, साथ ही साथ वाटर पार्क भी। ये दोनों ही बहुत फेमस है दमन में। वाटर पार्क के चार्जेस का मुझे आइडिया नहीं है, बट मीरा सोल वाटर किंगडम में 10 rupees एंट्री चार्जेस है पर पर्सन। दिस प्लेस इज नेक्स्ट टू हेवन, यू कांट इमेजिन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है हर जगह एंड बहुत ह्यूज गार्डन है, लेक है, इवन बोट राइडिंग भी होती है।
बोट राइडिंग के अलग चार्जेस है यहाँ पे. यहाँ रेस्टोरेंट भी है, सो यू कैन हैव योर लंच और डिनर हियर ऑल्सो. एंड विद दिस टॉय ट्रेन भी चलती है जो आपको ये पूरा पार्क अच्छे से घुमा देगी. लास्ट में इस जगह आना मुझे बहुत ही वर्थ इट लगा. आई एंजॉय द enjoyed a lot today, and with this I'm ending this vlog here only. Hope you guys liked watching my video. If yes, then don't forget to press the like button. Also subscribe to my YouTube channel. Meet you in my next video. Till then, bye.